अभी निकल जाओ यहां से, जस्ट लीव। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए यार, कहां छुपी थी तुम्हारी ये महान एक्ट्रेस? क्यों किया ये? तुम्हारी असलियत तो मैं जानता हूं, फिर क्यों ये सब कुछ छुपा रही हो यार? जाओ ना, जाओ, ऐश करो, जो करना है करो यार। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। ये मेरे हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। आ क्या काट लिया, अभी आती हूँ। कहाँ ध्यान रहता है तेरा बाबू? भाई साहब पिया के साथ जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। भाई साहब पिया के लिए इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? बाहर से पत्थर दिल लगता होगा वो तुझे, लेकिन अंदर से जैसे तेरा दिल रोता है ना पिया के लिए, वैसे भी उसका ही दिल रो रहा होगा। बहुत प्यार करता है वो पिया से। तो उस प्यार को अपने सीने में दबाए क्यों है बाबू? क्यों नहीं पिया को गले लगाकर उसे कह देते कि वो हर फैसले में उसके साथ है? अब इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते सलोनी। जब इंसान मजबूर होता है ना तो भगवान का सहारा लेता है। मैंने कल घर में शांति के लिए माताजी महाराज का पाठ रखवाया है, बस माता महाराज तक हमारी दुआ पहुंच जाए। जी समर भैया। उसी की फोटो है ना? अरे दिखा ना, मैं भी तो देखूं अपने होने वाली बहू का चेहरा। दिखा भाई। नहीं माँ, अभी नहीं। क्यों अभी नहीं? मॉम प्लीज, मैंने आपसे कहा ना कि अभी नहीं। थारी बहू ने, लो मेरी बहू को मुझसे ही छुपा रहा है। अरे बता देना उसने क्या कहा। अरे उसके तो पैर जमीन पे नहीं टिक रहे होंगे, आखिर मेरे बेटे जैसा लड़का उसे चराग ढूंढने पे नहीं मिलेगा। हारी धोने मैं भी कितनी बावली हूँ। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, मेरे बेटे को कोई मना कर सके? बता कब ला रहा है मुझसे मिलवाने? बहुत जल्द माँ, बहुत जल्द। कल अभी आया था घर पे। अभी तुम्हारे घर क्यों?
कितने पैसे लिए थे आपसे श्रीधर? ये करीबन 2.5 लाख रुपया, पेपर्स भी है। ये रहा पैसा, आपका हिसाब क्लियर हो गया। आज के बाद आप श्रीधर और उसके परिवार को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। अरे भाई, मैं किसी को क्यों परेशान करूं? मेरा पैसा मिल गया, सारा झगड़ा खत्म। मैं आज ही जाके उनको कह देता हूँ, आज के बाद मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए वो लोग। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, भूल कर भी उनके सामने ये बात मत कहना कि मैंने उनकी कोई मदद की है। तुम उनकी जिंदगी से इस तरह गायब हो जाना जैसे तुम उनकी जिंदगी में कभी आए ही नहीं थे। अब जैसा कहते हैं वैसे ही होगा। मैं चलता हूं अब। खम्मा गाड़ी नाहर। इस ऊपरी मदद से कुछ नहीं होने वाला। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इसका असर पड़ रहा है पिया पर। उसका अपने आप पर से कंट्रोल हटता जा रहा है। कल अभी पिया के घर गया था और श्रीधर ने अभी और पिया के रिश्ते को गलत नाम देने की कोशिश की, जिस पर अभी ने श्रीधर के साथ हाथापाई की और बदले में पिया ने अभी पर ही हाथ उठा दिया। आज नहीं तो कल पिया की हालत तो होनी ही थी। कोई कपस है आखिर, घुटन तो उसके अंदर भी है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि उसे वही करना चाहिए जो भाई साहब ने उससे कहा था। अरे ऐसे नर्क में जीने का क्या मतलब? श्रीधर जैसे इंसान को अपनी पत्नी का मतलब तभी समझ में आता है जब उसकी पत्नी उससे दूर हो जाए। क्या यही एक रास्ता बचा है श्रीधर और पिया के रिश्ते को सुधारने का? आप लोग हर मुश्किल का हल एक्सट्रीम ही क्यों सोचते हैं? क्या शांति से प्यार से किसी भी प्रॉब्लम को सुलझाया नहीं जा सकता? इंसान से उसी भाषा में बात करनी चाहिए जो भाषा वो समझता हो। अगर प्यार और मोहब्बत से ये बात सुलझनी होती ना तो अब तक सुलझ जाती। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात होते हैं जिसमें कठोर और एक्सट्रीम फैसले ही मुश्किलों को दूर करते हैं। मैंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया वो अच्छा नहीं था। मैं उसके लिए तुमसे अभी प्लीज मुझे अवॉइड मत करो। आई एम सॉरी। अरे देवरानी साहब जल्दी करो भाई, देर हो रही है। हाँ हाँ मनु भाभी आ गए। चलिए। कामिनी बेटा तू तैयार नहीं हुई, सलोनी के यहाँ जाना है? नहीं मनु भाभी, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है बेटा, तो तू घर पे ही आराम कर, हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। थारी धोने देवरानी जा। अरे हम कौन सा पहाड़ पे चढ़ के किला पता करने जा रहे हैं जो इसको थकावट हो जाएगी। अरे माता का पाठ है और ये पेट से मत भूलो देवरानी सा कि बच्चा पेट में सब सुनता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना अपने माँ के पेट में से सीखा था और बच्चा जब ऐसा पूजा पाठ सुनेगा तो उसमें अच्छे संस्कार डलेंगे। चल बेटा जल्दी से तैयार हो जा। मनु भाभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। बेटा प्रेगनेंसी में मन थोड़ा उचट हो ही जाता है और हम कोई परायों के घर थोड़ा जा रहे हैं, सलोनी के घर जा रहे हैं। आराम से बैठ के पाठ सुनना और कोई प्रॉब्लम हुई तो हम सब तो है ही, बल्कि ऐसे में तुझे अकेला छोड़ना ठीक नहीं। जा जा बेटा तैयार हो जा, जा। तब तक हम यहाँ बैठते हैं। चलो मैं तैयार हूँ पहले से। चलो बेटा। अरे रुक रुक थारी धोने। अरे औरत जब पेट से हो
तो उसे हर कदम संभल संभल कर चलना चाहिए। ये नहीं कि तमक तमक कर दौड़ती फिरे घोड़ी की तरह। बेटा जरा सा भी उल्टा सीधा कदम उठ के आना तो बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है ना? संभाल के चल जी, चल। चलो चलो भाई। जानती हूँ पिया और तुम्हारे बीच जो हुआ, अभी पिया को गलत मत समझना। उसने वही किया जो ऐसे मौके पर कोई भी लड़की करती। लेकिन सलोनी, तू पिया को थमा गनी। अरे सलोनी, आरती नहीं करनी क्या? चलो आप आइए ना। अभी इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मेरी बेटा, ये माताजी महाराज का आशीर्वाद बच्चे के सर पे लगा दे। मैं लगा लूंगी वरना भाभी। जीती रहे बेटा, खुश। अच्छी मुसीबत है लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकती। ओम मावित्रा पवित्रोवा सर्वावस्थान गदोप्या यह स्मरित पुनरिकाच्छ सवायाभ्यंतर शुचि। जजमान, आप अपना गोत्र बताइए। वशिष्ठ। और आपके बहनों का? पंडित जी, हमने ये पूजा अपने रिश्तेदारों के लिए रखी है। हम सिर्फ दो भाई और एक बहन। भाई साहब, पिया से हमारा कोई रिश्ता नहीं है।
ये ननद क्यों आए तेरी आंख में आंसू? क्या उस लड़की ने मना कर दिया? मना करने की बात तो तब आती ना जब मैं उसे कुछ कहता। अरे लड़ाई लड़ी ही नहीं और हथियार डाल के बैठ गया आंसू बहाने को। किससे लड़ूं मां? अपने अपने दिल से या फिर उस सच से कि वो पहले से किसी और की हो चुकी है। She's married, mom. She's married. बेटा मेरा बस चले तो दुनिया की सारी खुशियां तेरी झोली में डाल दूं, लेकिन मुझसे भी ऊपर एक शक्ति है और अगर उसका फैसला है कि ये लड़की तेरे नसीब में नहीं है तो सर झुकाकर उसका फैसला स्वीकार कर लो। भूल जाओ उसे बेटा, भूल जाओ। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है माँ? सब कुछ कितने करीब था और एक ही पल में सब कुछ इतना दूर चला गया कि मैं चाहकर भी उस तक पहुंच नहीं सकता। सब मेरे नसीब में क्यों लिखा है? मत रो मेरे बच्चे, मत रो। इंसान अपनी तकदीर ऊपर से लिखवा कर लाता है बेटा। किसी पन्ने में खुशियां और किसी पन्ने में तकलीफ लिखी होती है, लेकिन वक्त के साथ ये पन्ने पलटते जाते हैं। मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगी, चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाय प्रिया। एक बात कहूं प्रिया, तुमसे प्यारी और मेहनती लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। थैंक्स। सिर्फ थैंक्स? मुझे तो लगा था कि इस कॉम्प्लीमेंट के बदले कम से कम तुम्हारे साथ कॉफी पीने का इनाम तो जरूर मिलेगा। मेरे पास अभी बहुत सारा काम है। अभी काम है या सिर्फ अभी से काम? माइंड योर टंग। हमसे इतना गुस्सा क्यों करते हैं पिया जी? अभी के सामने तो आपके होंठों से फूल झड़ते हैं। हंसी मजाक, वो मीठी मीठी बातें, घूमने फिरने के प्रोग्राम, सब कुछ तो होता है। ऐसे क्या सितारे जड़े हैं अभी में जो हम में नहीं चमक रहे? रंजीत प्लीज, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ सिर्फ एक बार मेरी हो जाओ, दुख दर्द तुम्हारा दामन छू नहीं पाएंगे। रंजीत मेरा हाथ छोड़ो। क्यों, मैं पसंद नहीं तुम्हें? रंजीत आई सेड लीव माय हैंड।